डेरी मिल्क जैसी चॉकलेट्स का ये काला सच आप नहीं जानते होंगे और कैसे जियो आपको फ्री में आईपीएल दिखा के लूट रहा है, कैसे अमूल ने गुड्डे का पूरा मार्केट ले लिया। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक जरूर देखना। नंबर वन, इंडिया में कॉलगेट की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्टूडेंट्स का है, पर कैसे? 2004 में कॉलगेट को पता था कि उनके टूथपेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका बेटर टेस्ट, इसीलिए कॉलगेट चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस एक बार उनके टूथपेस्ट को ट्राई करें, और इसीलिए कॉलगेट ने इंडिया के हजारों स्कूल से मिलकर ओरल हाइजीन की अवेयरनेस फैलाने के लिए पार्टनर की। इस कैंपिंग में कॉलगेट स्कूल के हर बच्चे को अपना टूथपेस्ट और ब्रश देते थे, वो भी फ्री में, और ये बच्चे उन्हें अपने घर ले जाते थे। देखने के लिए तो बस एक कैंपिंग था, पर इसी से कोलगेट अपना प्रोडक्ट लाखों और करोड़ों घरों तक पहुंचा रहा था। फिर इंडिया में चाहे कोई भी हो, बड़े हो या बच्चे, फ्री का प्रोडक्ट सबको बहुत अच्छा लगता है, और जब फ्री का टूथपेस्ट मिलने पर वो उसे ट्राई जरूर करते थे, और टेस्ट अच्छा लगने पर वो कोलगेट के रेगुलर कस्टमर बन जाते थे। नंबर टू, टाटा ने आखिर कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से साफ कर दिया। टाटा ने देखा कि इंडिया में ज्यादातर नमक बिना किसी ब्रांडिंग और बिना किसी पैकेजिंग के बेचा जाता है, और उस टाइम नमक को सिर्फ फ्लेवर एडिंग इंग्रेडिएंट माना जाता था, इसीलिए जो सॉल्ट सबसे ज्यादा सस्ता और टेस्टी होता था लोग उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। इस वजह से 1983 में जब टाटा ने अपना सॉल्ट लॉन्च किया तो टाटा ने अपने सॉल्ट को ना ही सस्ता बनाया और ना ही उसके टेस्ट की बात की, बल्कि उन्होंने सॉल्ट को सीधा हेल्थ से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले टाटा ने अपने सॉल्ट को पैकेट्स में बेचा ताकि वो हाइजीन और अनटच्ड रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट, टाटा ने अपने सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया। इसके अलावा टाटा ने अपने सॉल्ट को स्ट्रांगली नेशनलिज्म से कनेक्ट कर दिया। टाटा नमक की कुछ टैगलाइंस भी थी, जैसे देश का नमक, देश की रग रग में आयरन, देश की सेहत देश का नमक, और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो इन सब टैगलाइंस में एक वर्ड कॉमन है, देश। इन्हीं स्ट्रेटजी से टाटा नमक ने अपने कस्टमर्स को इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर दिया है। नंबर थ्री, फेविकॉल जैसे बड़े प्रोडक्ट का इन्वेंशन एक प्यून ने किया था। 1950s में बलवंत पारेख एक वुड ट्रेडर्स के ऑफिस में प्यून की नौकरी करते थे। बलवंत पारेख ने देखा कि वहां के वर्कर्स वुड को चुपकाने में एनिमल ग्लू का यूज करते हैं, जिसकी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली, वेजिटेरियंस वर्कर एनिमल ग्लू को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं थे। दूसरी, एनिमल ग्लू इजी टू यूज नहीं था और ना ही स्ट्रॉन्ग था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए बलवंत पारेख ने फेविकॉल जैसा प्रोडक्ट इन्वेंट किया, जिसकी खासियत थी कि ये एनिमल पार्ट्स को छोड़ के सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ था। फेविकॉल से पहले ऐसा माना जाता था कि एडहेसिव सिर्फ कारपेंटर्स के यूज आता है, इस वजह से वो सिर्फ बड़े कंटेनर्स में बेचा जाता था। लेकिन फेविकॉल ने पहली बार एडहेसिव को 30 ग्राम के पैक में बेचा, जिस वजह से हजारों करोड़ों स्टूडेंट्स इसे यूज करने लगे, और स्टूडेंट्स को कस्टमर बनाने के लिए फेविकॉल ने स्कूल में क्रिएटिव क्राफ्ट कॉम्पिटिशन करवाए, जिससे उनका प्रोडक्ट 8 लाख बच्चों तक पहुंचा। यहां तक कि डॉक्टर फिक्सिट, एम सील, इवन रंगीला कलर भी फेविकॉल की पेरेंट कंपनी पीडीलाइट का ही ब्रांड है। नंबर फोर, कैडबरी जैसी बड़ी कंपनी का भरोसा एक ही दिन में टूट गया जब उनकी चॉकलेट में से कीड़े निकले, वो भी जिंदा। तभी कैडबरी ने अपने डिफेंस में कहा कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती रिटेलर्स की थी क्योंकि उन्होंने ढंग से चॉकलेट रखी ही नहीं। पर अब तो कैडबरी की इज्जत खराब हो चुकी थी, जरूरत थी तो कुछ चमत्कार की। तभी कैडबरी ने डबल पैकेजिंग का यूज किया डबल सेफ्टी के लिए, पर ये स्टेप लेने से पहले कैडबरी की प्रोडक्शन कॉस्ट 15% तक बढ़ गई। पर कैडबरी ने प्राइस जरा सा भी नहीं बढ़ाया, और उनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम स्टोर में जाकर चॉकलेट्स को चेक कर रही थी। और कुछ ज्यादा ही भरोसा जीतने के लिए कैडबरी ने अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और सिर्फ 6 महीने में कैडबरी ने बहुत बड़ा रिकवर किया। नंबर फाइव, जनरली हम अपने दोस्तों को एक फ्री में चाय तक नहीं पिलाते, पर यहाँ अंबानी जी फ्री में सबको आईपीएल दिखा रहे हैं, वो भी 23,500 करोड़ देके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो यूजर्स के लिए, बल्कि सारे सिम यूजर्स इसे देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोटा भाई का तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि 23,500 करोड़ देके फ्री में आईपीएल, पर ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो 10 गुना ज्यादा पैसा बना लेंगे, वो भी इन तरीकों से। पहला, जो हॉटस्टार 400 रुपए लेता था आईपीएल दिखाने के लिए, तब 30 करोड़ लोग देखते थे पैसे देके, पर अब तो आईपीएल पूरी तरह से फ्री है, तो हो सकता है कि अब 50 से 60 करोड़ लोग देखें। दूसरा, जब आप आईपीएल देखोगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी क्वालिटी में ही देखोगे, वरना पता कैसे चलेगा कि किस प्लेयर ने सिक्स मारा है। पर हाई क्वालिटी में डाटा यूजेज बहुत ज्यादा होता है, और फिर रिचार्ज करोगे जिसमें जियो का ही फायदा है, और मोटा भाई का पैसा ही पैसा। नंबर सिक्स, एक दिन अमूल ने सोचा कि हम दूध और बटर तो बेक ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए, यानी बटर बिस्किट बेका जाए। लेकिन ये इतना इजी नहीं था, बटर बिस्किट का मार्केट ऑलरेडी गुड्डे लेके बैठा हुआ था, तो गुड्डे के कस्टमर्स अमूल की तरफ आने के लिए गुड्डे का किसी तरह से नाम तो खराब करना पड़ेगा। और ये करने के लिए अमूल ने हैशटैग ट्रेंड करवा दिए, ये इमेज हर जगह डाल दी, जिसमें अमूल ने सीधा पॉइंट आउट बटर पे किया है। अमूल
ने दिखाया कि उनके बिस्किट में बटर बहुत कम है मगर हमारे बिस्किट में बटर ज्यादा है। इस पूरे इमेज या फिर हैशटैग में गुड्डे का नाम नहीं लिया, बस बिस्किट की इमेज दिखाई। बिना नाम लिए गुड्डे का करियर अमूल ने रेड जोन में डाल दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट फैक्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं।